अब्दुल मजीद उर्फ काला माड़ू वाला मोहनी रोड का रिहायशी था, वापडा का पहलवान था और वापडा की तरफ से मुल्क और बैरून मुल्क कुश्तियों के बेशुमार मुकाबले करके मुल्क का नाम रोशन किया। पिचीहान, पठाना, नवीज सईद बहुत गहरे दोस्त थे। 1986 में एशियन गोल्ड मेडलिस्ट करार पाया और दो दफ़ा ये एजाज़ ममलिकत पाकिस्तान को जितवाया। एशियन ओलंपिक्स में दो दफ़ा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सात हिंद कसरी पहलवान का टाइटल भी जितवाया। इस पहलवान की वफात वाले दिन ईरान के अंदर एक दिन की छुट्टी हुई क्योंकि वहां पर स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। इसके अलावा 50 इंटरनेशनल इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीता और 2006 में खालके हकीकी से जा मिला। 1986 में जब इसने गोल्ड मेडल जीता तो सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक ने इसको इस्लामाबाद बुलाकर पूछा कि मांगो क्या मांगते हो, तो आप इस बात का यकीन करें कि इस सादा लो पहलवान ने सदर पाकिस्तान को सिर्फ ये कहा कि मुझे एक अदद कलाशनकोफ और इसका परमिट दे दें। हुक्म पर अमल हुआ और इस वक्त का कोर कमांडर पूरे प्रोटोकॉल के साथ मोहनी रोड इसके घर जाकर इसको डिब्बा बंद कलाशनकोफ और सात परमिट जो कि सदर पाकिस्तान की तरफ से जारी शुदा था दे कर वापस आए। ये एक तारीखी वाक्या है कि एक दरवेश सफ्त पहलवान ने मांगा भी तो क्या, और इस वक्त कलाशनकोफ का परमिट नामुमकिन था। बहुत बड़े बड़े डेरेदार और बदमाश इससे कलाशनकोफ और इसका परमिट मांग कर ले जाते थे।